ऑनलाइन क्लास टुडे वी विल लर्न क्लास टू का सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 10 एट अवर पॉइंट। तो आज हम यहाँ क्या पढ़ेंगे, हमारे अंक जोड़ने, मतलब यहाँ पर आपको अंक जोड़ने हैं। ओके, सो स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट। टॉस द बॉल, आप भी अपने बैट में बॉल को टॉस करते होंगे ना, तो उसी तरह के टॉस कर रहे हैं यहाँ पर। एनिमल ऑफ द फॉरेस्ट आर प्लेइंग टर्न बाय टर्न, दे टॉस द बॉल ऑन देयर बैट्स अंटिल इट फॉल्स, ईच प्लेयर गेट्स टू टर्न्स एंड बुन्नो रैबिट एड्स देयर पॉइंट, बट डू यू नो हाउ ही एड्स। तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक ये टॉर्टोइज हो गया, ये बन्नू रैबिट, तो ये लोग अपन क्या करते हैं, टॉस करते हैं बाल को, और कितने बार टॉस करना है, टू टाइम्स करना है, यानी दो बार, जब तक नीचे न गिर जाए बॉल। तो इस तरह दोनों लोग अपना अपना टॉस करते हैं, दोनों अपनी पॉइंट ऐड करते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये जो बन्नू रैबिट है वो अपना पॉइंट कैसे ऐड करता है। बन्नू रैबिट बोल रहा है, यू टॉस द बॉल 14 टाइम्स। बन्नू रैबिट इससे बोलता है टॉर्टोइज से कि आप तुमने कितने टाइम्स टॉस किया है बॉल को, 14 टाइम्स। ओके, आई हैव वन मोर टर्न, तो ये टॉर्टोइज बोलता है कि मेरे पास एक और चांस है, आई हैव वन मोर चांस, मतलब पहली बार कितने 14 टाइम्स किया है और एक और चांस मिलता है, तो दो चांस उसको मिलता है टॉर्टोइज को। फिर ये शुरू करता है टॉस करना, ओनली 7 टॉस दिस टाइम्स, अब इस बार कितने टॉस किया है, 7 टाइम्स, है ना। तो देखिए ये जो टॉर्टोइज है वो पहली बार में कितने 14 टाइम्स टॉस किया है एंड सेकेंड टाइम में 7 टाइम्स। ओके, बन्नो एड ऑन द स्नेक टू एड 14 एंड 7, बन्नो स्टैंड्स ऑन 14, ही जंप्स 7 स्टेप्स फॉरवर्ड, ही रीच 21, यू कैन आल्सो एड पॉइंट ऑन द स्नेक। तो ये रैबिट किसका यूज़ करता है अपने पॉइंट ऐड करने के लिए, ये स्नैक उसका है। स्नैक में देखिए आपको 1, 2, 3 से लेकर 100 तक नंबर दिए हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पूरा आपको कहाँ तक नंबर दिए हुए हैं, 100 तक। तो ये टॉर्टोइज पहली बार कितने बार टाइम टास्क किया था, पहली बार 14 टाइम्स, तो ये 14 में ये रैबिट पहुँचा। ओके, एंड सेकेंड टाइम 7 टॉसेज, सो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इस तरह 7 टॉस्ट किया तो वो कहाँ पहुँच गया, 21 में। ओके, तो 14 + 7 = 21, 14 + 7 क्या होता है, 21। आपको एडिशन पहले ऐड करना सिखा दिया गया है तो आप वैसे भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आप स्नैक्स का यूज़ करना चाहें तो स्नैक का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर कुछ जो एनिमल्स हैं वो क्या है, टॉस्ट किए हैं। तो ये कैमल जो, तो यहाँ पर सभी अपने अपने टॉस्ट करेंगे। देखिए बियर कितने टाइम्स टॉस्ट किया, 33 + 11, तो 33 में 11 को ऐड करेंगे, पहले वंस में वंस ऐड करना है, टेंस में टेंस ऐड करना है, तो इसको ऐड करेंगे तो यहाँ की पॉइंट लिखना है। ओके, एंड ये डॉग, लायन, टर्टाइज, एलिफेंट और ये क्लियर हो गया। तो इन सब ने अपने अपने पॉइंट्स क्या किए, ऐड किए और यहाँ पर रखे हैं अपने ऐड, अब इनको ऐड करना है। तो आप इसको ऐड करने के लिए किसका यूज कर सकते हैं, आप वैसे भी ऐड कर सकते हैं, और आप अगर स्नैक्स का यूज़ करके ऐड करना चाहें तो स्नैक का यूज़ करके भी ऐड कर सकते हैं। तो आप अपने बुक पेज नंबर 76 में जा कर के यह पॉइंट आपको ऐड करने हैं। ओके, जैसे टॉर्टोइज ने पहली बार कितने टाइम्स किया था, 7 टाइम्स, है ना, वो 14 टाइम्स, तो यहाँ पर 14 में गए, 1, 2, 3 से लेकर 14 में, है ना। फिर नेक्स्ट कितने टाइम्स किया है, 7 टाइम्स, सो वी जंप 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहाँ पर 7 टाइम्स जंप्स किए तो कहाँ आ गया, 21 में। तो आप इस स्नैक का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो 14 + 7 कितने हो गए, 14 + 7 हो गए, यहाँ पर आप लिख देंगे 21, 14 + 7 = 21। अब इसी तरह आप ये
बियर का एलिफेंट जो भी एलिफेंट का जो भी नंबर है उसको आप ऐड करिए, 49 में चले जाइए, 49 से फिर 13 टाइम्स क्या करेंगे आप स्नैक में और आगे जाएंगे, तो 49 प्लस 13 जहाँ पर आप पहुँचेंगे वो 49 प्लस 13 का आंसर होगा। इसी तरह ये जो लायन है उसका भी नंबर ऐड करेंगे, है ना, तो आप ये सब नंबर को ऐड करिए। नेक्स्ट है हु वन द गेम, तो अब आप जब ऐड कर लेंगे इनको तो क्या होगा, आपको क्या मिलेगा कि कौन जीता इस गेम में, है ना, तो जो भी जीतेगा उसका नाम यहाँ लिखना है, टॉर्टाइज जीता, एलिफेंट जीता या कि लायन जीता, जो भी जीतेगा आपको यहाँ पर उसके नाम लिखने हैं। ओके, हु लॉस्ट द गेम, तो यहाँ पर जिसके पॉइंट सबसे कम रहेंगे उसका नाम यहाँ पर लिखना है, वो मतलब हार गया गेम में, है ना, इस तरह आप इसको ऐड करना है और उनके नाम लिखने हैं। ओके, नेक्स्ट है गेस एंड टेल, प्रभा इज गोइंग टू हर ग्रैंड मदर हु लिव्स इन द नेक्स्ट विलेज, शी वांट्स टू टेक 15 केजी सुगर केन, 7 किलोग्राम एप्पल एंड 8 किलोग्राम टोमेटोज, शी हैज टू क्रॉस ए रिवर इन द बोट, शी कैन टेक 25 केजी वेट, कैन सी कैरी ऑल द थिंग्स, तो क्या है वह प्रभा की जो ग्रैंड मदर है, दादी माँ है, वो कहाँ रहती है, दूसरे गांव में रहती है, और प्रभा के गांव से और दादी के माँ के गांव से क्या है, नदी बहती है, और उस नदी को पार करने के लिए बोट का यूज किया जाता है, और उस बोट में क्या किया जाता है, 25 केजी वेट मतलब ले जा अपने साथ, कितने वेट ले जा सकते हैं, 25 केजी वेट, कितना वेट ले जा सकते हैं, 25 केजी वेट, तो ये प्रभा की जो ग्रैंड मदर है वो कितना 15 केजी सुगर केन रखी हुई थी, 7 केजी एप्पल्स एंड 8 केजी टोमेटो, तो क्या प्रभा की ग्रैंड मदर मतलब पूरे सामान को ले जा सकती है, आप क्या करेंगे 15 प्लस 7 केजी एप्पल्स, 7 प्लस 8 केजी टोमेटो, तो 8, तो आप इसको क्या करना है, ऐड करना है, इसको ऐड करने के लिए हमें क्या चाहिए, 578, तो 578 को चलिए ऐड करते हैं, यहाँ पर लाइन हम लोग लेते हैं ना, 1 2 3 4 5 प्लस 7, 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब काउंट करिए लाइन को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इस तक 20, तो 20 क्या होता है, 22 एंड 0, 0 वंस 2 टेंस, तो यहाँ पर वंस में क्या जाएगा 0 एंड टेंस में क्या आएगा, टेंस का जो संख्या है 2 है, ये कहाँ चला जाएगा, कैरी में, तो यहाँ पर 2। अब नेक्स्ट क्या करना है, 2 प्लस 1 को ऐड करना है, यहाँ पर टेंस में क्या है, 2 प्लस 1 ये कैरी हो गया और ये अंक हो गए, तो 2 प्लस 1 को ऐड करिए, चलिए 1 2 लाइन्स प्लस 1 लाइन्स 2 1 2 3, तो 2 और 1 कितने हो गए, 3 हो गए, इस तरह कितने केजी ग्रैंड मदर के पास हो गए, 30 केजी, है ना, तो वह क्या ले जा सकती है, तो यहाँ पर नहीं ले जा सकती। ओके, तो इस तरह आप ये ऐड करिए, ये पॉइंट को आपको ऐड करना है, इसे ऐड करिए जिस तरह आपको बताया गया है स्नैक में, और आप इसे ऐड करके लिखना है आपको, और लिख करके फिर हमें सेंड करना है। ओके, नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे, तब तक के लिए आप इसे कंप्लीट करिए और सेंड करिए। ओके, थैंक यू।